हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आज का विषय यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इसको दूसरे वर्ड में क्या, और रेजिस्टर भी बोलते हैं। तो आज यही बताऊंगा कि किस तरह से हम रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में यूज करते हैं। आज का विषय यही है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सर्किट में कितना करंट जाएगा, वो करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पे निर्भर करता है, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। तो जैसे वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई बराबर वी बाई आर होता है। तो जिस तरह से करंट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसी सर्किट पर डिपेंड करता है, उसी तरह रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है किसी भी सर्किट में कितना करंट जाएगा। तो आज का चर्चा का विषय यही है कि किस तरह से, कौन सा, कैसा कॉम्बिनेशन करें रेजिस्टेंस में, और किस तरह से करंट का वेरिएशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम लोगों को दो रेजिस्टेंस को हम दो तरह से कंबाइन करते हैं, रेजिस्टेंस को हम दो तरह से कंबाइन करते हैं। इसका नाम है कौन, क्या क्या नाम है। पहला जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, समझ रहे हैं, और दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरह से हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, कि जिस तरह से रेजिस्टेंस क्या होती है, इसमें बढ़ते जाते हैं, क्या होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का सीरीज रेजिस्टेंस में, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होती है, सीरीज रेजिस्टेंस होता क्या, आगे ये जानते हैं, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जाने। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस का साइन क्या होता है इस तरह से, तो रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं, इंड टू इंड कनेक्ट होते हैं। इसका इंड मतलब जैसे एक रेजिस्टेंस यह है, एक रेजिस्टेंस यह है, आर वन है, एक रेजिस्टेंस आर टू है, तो दोनों का इंड टू इंड क्या होगा, कंबाइन होगा इंड, और इसका एक इंड कंबाइन होगा, और क्या होगा, एक सिंगल रेजिस्ट, एक इस तरह से सर्किट में बनता है। तो क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, एडिशन होता है। जैसे यहाँ पर इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे ये आर वन रेजिस्टेंस था, ये आर टू रेजिस्टेंस था, तो ये इक्वेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर वन प्लस आर टू। कौन सा केस की बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको सम अप कर जाते हैं, सिंपली क्या, अल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, और ये इक्वेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर, इक्वेलेंट मतलब तो वही रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस के, तो इक्वेलेंट मतलब तो वही टोटल रेजिस्टेंस, आर टोटल जो होगा वो दोनों का सम होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से इंड टू इंड कनेक्ट होते हैं। लेकिन जहां हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होती है भाई, कि जैसे इसमें रेजिस्टेंस है एक ही पॉइंट पे, इसका दो पॉइंट पे, जैसे एक ही पॉइंट पर दोनों इंड इसका कनेक्ट होगा, और दोनों दोनों इंड होगा जो दोनों पॉइंट पे कनेक्ट होंगे, और एक कंबाइंड होते हैं, इसीलिए इसे क्या है, एक पैरेलल ही भी होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आर वन और आर टू क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या है, दो रेजिस्टेंस है कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट, दोनों सेम टू पॉइंट पे कनेक्ट है, कनेक्टेड है, दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, सेम टू पॉइंट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट, तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जहाँ तक मान लेते हैं क्या होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्या होती है, करेंट वेरीज करती है। जैसे क्या मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक सर्किट है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे जो क्या होते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हम क्या है,
एक क्या है, एक पंप है। अब पंप में हमको इसको पानी भेजना है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मान लेते हैं एक क्या है, यहाँ पंप है, यहाँ से हम पानी इसको डाल रहे हैं। तो पानी क्या है, पानी जाएगा इस तरह से जाएगा, जितना पानी इसमें जाएगा उतना पानी इससे क्रॉस होते हुए इधर निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, R2 है, तो जस्ट एज ये पानी के जैसा करंट क्या होगा, करंट जितना करंट ये रेजिस्टेंस में होगा इतना करंट ये रेजिस्टेंस में जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, करंट सेम होते हैं। क्यों 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 सेम होते हैं भाई, क्योंकि यहाँ से जो जा रहे हैं, मान लेते हैं पानी ही जा रहे हैं, तो पानी यहाँ से जा रहे हैं इससे क्रॉस होते हुए चला जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ से हम पानी भेजे तो पानी यहाँ जाने के बाद इसके पास दो रास्ता है, एक तो इधर जाएंगे एक इधर इस तरफ जा सकते हैं, तो दोनों तरफ पानी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसी तरह एक पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन हो जाता है। तो ये हम बात करेंगे इंडिविजुअली सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक फार्मूला याद रखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का होता है, मान लेते हैं आर वन रेजिस्टर आर टू है, तो 1/R1 + 1/R2, ये टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमको फार्मूला याद रखेंगे। ये क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला, समझ रहे हो। तो ये सीरीज रेजिस्टेंस का था और एक सीरीज कॉम्बिनेशन का था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, समझे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हम नेक्स्ट वीडियो में सीरीज एंड पैरेलल पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और NCERT का भी न्यूमेरिकल करेंगे, और SC वर्मा का भी जो 10th क्लास की जाती है उसके बेस्ट पर भी न्यूमेरिकल किया जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिस कारण से मुझे और मोटिवेट मिले वीडियो को बनाने में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।